टुडे वी आर गोइंग टू रीड द थर्ड लेसन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 8th. द नेम ऑफ द लेसन इज द फन दे हैड, रिटन बाय इसाक एसिमोव. तो बच्चों, लेसन रीड करने से पहले हम इसके प्री रीडिंग टास्क के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पुट किए गए हैं, जैसे कि एट व्हाट टाइम डू यू गो टू योर स्कूल, डू यू लाइक टू गोइंग टू स्कूल, व्हाई और व्हाई नॉट. कि अगर किस टाइम तुम स्कूल जाते हो और तुम्हें स्कूल में जाना पसंद है, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं. ऐसे ही हाउ मैनी आवर्स डू यू वर्क ऑन ए कंप्यूटर इन योर स्कूल, वुड यू लाइक टू वर्क लॉन्गर. तो कितने घंटे तुम अपने स्कूल में कंप्यूटर पर काम करते हो और क्या इससे ज़्यादा घंटों पे तुम कंप्यूटर पर काम करना चाहते हो. एज इट इज़ वट वुड हैपन इफ़ योर टीचर वर रिप्लेस्ड बाय द कंप्यूटर्स. क्या होगा सोचो अगर तुम्हारे टीचर्स को कंप्यूटर के साथ रिप्लेस कर दें, यानी कि टीचर्स की जगह पर कंप्यूटर्स पढ़ाएं, तो तुम्हें कैसा लगेगा स्कूल में. एज इट इज़ वट वुड यू प्रेफर स्टडिंग एट होम और गोइंग टू स्कूल. तुम्हें स्कूल में जाकर पढ़ना ज़्यादा पसंद है या घर पर रहकर. द सेम क्वेश्चन हेयर अराइज, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू यू टू योर स्कूल, डू यू इंजॉय द जर्नी. कितना टाइम लगता है तुम्हें स्कूल में पहुँचने से पहले या पहुँचने तक, तो क्या तुम स्कूल में जाने की जर्नी को इंजॉय करते हो. एंड द लास्ट, डू यू लाइक वैकेशन, वाई. तो इन सब क्वेश्चन का पूछने का पर्पज़ क्या है, कि इसमें जो लेसन है इसमें इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जो है आंसर्स हमें मिलेंगे, कि जो बच्चे हैं वो इन क्वेश्चन से रिलेटेड क्या जो हमारे आंसर्स हैं उनसे वो बच्चे कैसे रिलेट करते हैं. तो सपोज़ करो कि हमारा स्कूल और ऐसे चेंज हो जाए कि कंप्यूटर के साथ हमें टीचर्स को रिप्लेस करना पड़े, स्कूल ना जाना पड़े, घर में पढ़ना पड़े, तो कैसे कोच हमारे माइंड में सिचुएशन आएगी. तो हम इस लेसन को रीड करेंगे. तो ये जो लेसन है वो फ्यूचर में है, यानी कि इसमें जो डिस्कस की गई हैं बातें वो फ्यूचर से रिलेटेड हैं, यानी कि फ्यूचर में हो गई हैं वो बातें. तो हेयर, और ये फ्यूचर कौन सा ईयर है, 2155, यानी कि 22nd century चली हुई है यहाँ पे. नाउ रीड द स्टोरी बाय इसाक एसिमोव अबाउट द स्कूल एक्सपीरियंस ऑफ टू चिल्ड्रन लिविंग इन 2155, 22nd century. हेयर देर इज़ अ लिटिल गर्ल नेम्ड मार्गी, इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. जो ये साल है इसमें डायरीज जरूर लिखी जा रही हैं, बट जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल चेंज हैं हमारे आज के एटमोसफियर से. जो स्टडी है बिल्कुल ही चेंज है. कैसे है वो पढ़ेंगे इसमें, कि जो मार्गी है वो वहाँ पे डायरी लिख रही है. उस रात कौन सी रात को लिख रही है, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2155, यानी कि 17 मई 2155 की डेट को डालकर वो राइटिंग कर रही है, आज डायरी लिख रही है. तो शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक. कि जो टॉमी है, शायद उसका ब्रदर है, यहाँ पे आगे पता चलेगा, वो जो है उसने एक उसको एक रियल बुक मिली है, यानी कि उसको हैरानी हुई है एक रियल बुक को रिसीव करके, यानी कि एक हमारी जैसे आजकल हम बुक्स रीड करते हैं तो वैसी एक उसको बुक मिली है, और उसको देखकर वो काफ़ी सरप्राइज्ड हैं, अमेज्ड हैं, मतलब कि कैसे ये हमें मिली है. टॉमी को मिली है उसके ब्रदर को शायद. इट वॉज़ ए वेरी ओल्ड बुक, ये काफ़ी पुरानी बुक है, ओल्ड बुक है. मैरीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज़ ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज आर प्रिंटेड ऑन पेपर. यानी कि इसमें मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार बोला था मार्गी को, बच्चों को, कि जब वो खुद बच्चा था उसके दादाजी ने, उसके ग्रैंडफादर ने उनके बताया था कि एक टाइम ऐसा था जब सभी स्टोरी जो थी, ओल्ड स्टोरी जो थी, वो पेपर पर प्रिंट होती थी. यानी कि अब ये जो ईयर है 2155, इसमें पेपर पे कुछ भी प्रिंट नहीं होता, सिर्फ ये हैंड रिटन डायरी जरूर चलती हैं, बट जो सब स्टडीज़ है, सब बुक्स हैं, सब कंप्यूटर टेली बुक्स हैं, कंप्यूटर स्क्रीन हैं, यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें टैबलेट्स पे
या मोबाइल पे या लैपटॉप पे जो भी है, मतलब यहाँ पे एक मोबाइल स्क्रीन पे यानी कि एक टीवी स्क्रीन पे हमें वहाँ स्टडी करने को मिलती है, वहीं पे हमें बुक्स मिलती हैं, वहीं पे हमें टीचिंग मतलब वहाँ पे हमारी होती है इस स्टोरी में। तो उनको ये जो रियल बुक मिलना बड़ी सरप्राइज एक थिंग है, और वो जो बातें सोच रहे हैं कि वो उस टाइम पेपर पे प्रिंट होती थी स्टोरीज, तो ये भी उनके लिए एक सरप्राइजिंग थिंग है। मूविंग अहेड दे टर्न द पेजेस, वो पेजेस को टर्न करते हैं, उनके पेजेस को जो पुरानी बुक्स उनको मिली हैं, दोनों बैठ जाते हैं, जो टॉमी है वो रीड करने लग जाता है उस बुक को, और उसके पेज को टर्न करता है, पलटता है, विच वर येलो एंड क्रिंकी, क्रिंकी मीन मतलब रिंकल्ड, यानी कि इसमें सलवटें पड़ी हुई हैं, मुड़े हुए हैं, हमें येलो कलर के हैं, एंड इट वॉज अवफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल मीन्स वो वहीं पे टिके हुए हैं, यानी कि उनको पढ़ना बड़ा ही फनी है उन बुक, मतलब उनको ऐसी बुक्स कभी देखी नहीं इन्होंने ज़िंदगी में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी सारी स्टडी उन पर चलती है कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो उनको ये बुक पढ़ी एक सरप्राइजिंग थिंग है उनके लिए कि इसके जो वर्ड्स हैं वो एज इट इज़ हैं, वही स्टिल हैं, यानी कि वहीं पे रुके हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, इंस्टेड ऑफ मूविंग द अवे यानी कि मूव नहीं कर रहे हैं आगे की तरफ, जैसे उनके इस कंप्यूटर स्क्रीन में वर्ड्स आगे चलते रहते हैं, लेकिन उन पे बुक्स में वो स्टिल हैं, यानी कि वहीं पे रुके हुए हैं। दे वर स्पोज टू, यानी कि जैसे उनकी स्क्रीन में उनको स्पोज होता है, उनको विश्वास होता है कि मूव करेंगे वर्ड्स, लेकिन यहाँ पे कोई भी मूव नहीं कर रहे हैं ऑन स्क्रीन उनकी स्क्रीन पे जैसे करते हैं, यू नो, जैसे कि आपको पता है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब जैसे ही वो पेजेस को पीछे की तरफ मोड़ते हैं, यानी कि पिछला पेज वापस करते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट इन द फर्स्ट टाइम, यानी कि जैसे उन्होंने उस पिछले पेज पे जो वर्ड्स पढ़े थे, अभी भी पेज पढ़ने पे वही पेज वही वर्ड जो है उसी पेज पे वहीं पे उनको मिल रहे हैं, तो उनके लिए एक सरप्राइजिंग थिंग है कि वो वर्ड्स तो गायब ही नहीं हुए हैं, जैसे उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे गायब हो जाते हैं, यानी कि वो चले जाते हैं वहाँ से, नए वर्ड्स आ जाते हैं उनकी जगह पे, लेकिन बुक्स में अभी भी वही वर्ड उनको, उनके लिए हैरानी है वो बुक्स को देखना। अब उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, किसने दिया, टॉमी ने, गी सेड टॉमी, उसने यानी कि एकदम से जैसे हम बोलते हैं ना छी ये क्या है, ऐसे उसने ऐसे वर्ड बोला गी कि ये क्या है, बड़े वेस्ट, ये तो बेकार है बिल्कुल ही। वैन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, वो सोचता है कि जैसे कोई इंसान अगर इस बुक को पढ़ेगा तो वो इसको फेंक देगा, यानी कि एक बार रीड करने के बाद उसमें दोबारा उसको रीड करने के लिए उसमें इस बुक में कुछ भी नहीं बचेगा, तो उसको रीड करने के बाद तो उसको फेंक देगा आई गेस, मेरे हिसाब से। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, लेकिन हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें मिलियंस बुक्स हैं, यानी कि करोड़ों बुक्स हैं उसमें रखी हुई हैं, मतलब स्टिल हैं, एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, तो इसकी और भी इसमें बुक्स आ सकती हैं, आई वुडंट थ्रो इट अवे, इनको इसको फेंका नहीं जा सकता, यानी कि हमें सारी बुक्स एक ही जगह पे मिल रही हैं, उनको फेंकने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन बुक्स को रीड करने के बाद फेंकना ही पड़ेगा, वो सोच रहा होता है। सेम विद द माइंड सेड मार्गी, मार्गी भी यही बोल रही है कि यही मेरे साथ है। शी वॉज 11 हैडन्ट सीन एनी मैनी टैली बुक्स एज टॉमी हैड, वो उन 11 साल की 11 ईयर्स की है और उतनी बुक्स उसने टैली बुक्स नहीं देखी हैं, जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन से जो बुक्स पढ़ रहे हैं उनको टैली बुक्स बोला गया है, उसने उतनी नहीं देखी हैं जितने कि टॉमी ने देखी हैं, क्योंकि वो 13 ईयर्स का है, यानी कि 2 साल बड़ा है, तो 2 साल उसने ज़्यादा उस टैली बुक्स को देखा है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली है जो पेपर बुक है। इन माई हाउस, मेरे घर में मिली है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बिना देखे बोलता है, एक पॉइंट करता है यानी कि इशारा करता है, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन, वो बुक को रीड करने में बिजी है और बस पढ़ते पढ़ते ही इशारा करता है उंगली की उंगली से कि मेरे घर में कहाँ मिली है, इन द एटिक, एक एटिक पे यानी कि छज्जे में जहाँ पे वो बेकार सामान रखा रहता है कि वहाँ पे उसको वो चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है, यानी कि इस बुक में जो आप पढ़ रहे हो उसमें ये किसके बारे में है, इसमें लिखा क्या गया है, उस आंसर देता है स्कूल के बारे में। मैगी वॉज स्कॉर्नफुल, वो गुस्से में आ जाती है, स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल के बारे में लिखने वाली क्या बात है, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। द मैकेनिकल टीचर, यानी कि जो टेली बुक्स में रीड करवाता है वहाँ पे एक रोबोट है, एक मैकेनिकल टीचर उसको बोला गया, एक रोबोट को जो अलग से उनको टीच करवाता है, तो उसको वो उससे नफरत है। क्यों नफरत है, क्योंकि वो उसमें इमोशंस तो है नहीं जैसे हमारे टीचर में होते हैं, तो एक क्योंकि ये 22nd century की बात है, तो वहाँ पे मैकेनिकल टीचर जो है कंप्यूटर स्क्रीन में वहाँ पे टीच करता है, तो उनको बिल्कुल ही अलग लगती है, वो उनके लिए वही स्कूल है, तो उससे वो हेट करती है।
मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, और जो मैकेनिकल टीचर है रोबोट है वो उसको ज्योग्राफी में बार बार टेस्ट पे टेस्ट देता रहता है, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो उस टेस्ट में बुरा से बुरा जो पेपर है या जो आंसर है वो देती है, यानी कि उसका जो रिजल्ट है बिल्कुल बेकार आता रहता है, अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और जब तक उसकी माँ जो है परेशानी से नहीं भर जाती कि यानी कि क्या हो रहा मेरी बेटी के साथ, वो क्यों नहीं सीख पा रही, और आखिर में सेंट फॉर का मतलब है बुला लेती है किसको, काउंटी इंस्पेक्टर को। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, यहाँ पे एक इंजीनियर है जो उस रोबोट को ठीक करने के लिए बुलाया जाता है, यानी कि वहाँ पे टीचर नहीं टीच कर रहे हैं, वहाँ पे रोबोट टीच कर रहा है, एक मैकेनिकल टीचर उसको बोला गया है उसकी उसको ठीक करने के लिए, यानी कि उसको दोबारा से रीशेप करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को वो बुलाती है। नेक्स्ट, ही वॉज राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और वो जो काउंटी इंस्पेक्टर वो कैसा है, एक छोटे कद का एक लाल चेहरे वाला एक छोटा आदमी है, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके हाथ में क्या रहता है, कुछ नंबर्स रहते हैं, कुछ वायर्स रहते हैं, कुछ टूल्स, उनका एक टूल बॉक्स रहता है जिसमें वो रिपेयर करने के लिए चीज़ें रखता है। ही स्माइल्ड एट हर, वो उनकी माँ मतलब उन बच्चों की तरफ देख के उस मार्गी की तरफ देख के स्माइल करता है, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल देता है खाने के लिए, देन टुक द टीचर अपार्ट, टीचर कौन, मैकेनिकल जो टीचर है यानी कि जो रोबोट है उसको वो ले जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और मार्गी को उम्मीद है होप है कि काश ऐसा हो कि उसको वो ठीक ही ना करना आए, यानी कि वो ठीक ही ना हो पाए जो उसका टीचर है उससे, वो भूल जाए उसको ठीक करना, उसको दोबारा से पुट टुगेदर करना वो भूल जाए, यानी कि वो उस टीचर को देख के खुश नहीं है, वो चाहती है कि वो टीचर वापस ही ना आए। नेक्स्ट है, बट ही न्यू हाउ टू सेट इट ऑल राइट, लेकिन उसे पता है कि उसको कैसे ठीक करना है, एंड आफ्टर एन आर और सो देर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, तो लगभग एक घंटे बाद जो है वो दोबारा से ले आता है उसको, और दोबारा से बड़ी काली और गंदी सी बिग स्क्रीन पे वो सभी लेसन जो हैं वहाँ पे दोबारा शो होते हैं और दोबारा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट वॉज नॉट सो बैड, लेकिन अब की बार वो इतना बुरा नहीं है जितना वो पहले था। द पार्ट शी हेटेड वॉज मोस्ट द स्लोट, उसको सबसे ज़्यादा बुरा उस टीचर में क्या लगता है, स्क्रीन पर क्या लगता है कि वो स्लोट बुरा लगता है, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पे उसको अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करने पड़ते हैं, तो वो पार्ट उसको सबसे बुरा लगता है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, और उसे कंप्यूटर लैंग्वेज में एक पंच कोड में उसको सबमिट करवाना पड़ता है। दे हैड मेड हर लर्न, जिसको उसने सीखा था व्हेन शी वॉज 6 years old, जब वो 6 साल की थी, अब वो कितने ईयर्स की है, 11 years की, जब वो 6 साल की थी तब उसने वो कोड सीखे थे, और अभी उसी कोड में उसको आंसर्स वहाँ पे देने पड़ते हैं। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जैसे कि वो कंप्यूटर स्क्रीन है, मैकेनिकल टीचर जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन है, और वो जो है बिल्कुल कुछ टाइम में ही उसके आंसर्स को चेक करके और वो मार्क्स को वहाँ पे शो कर देते हैं। नेक्स्ट, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, इंस्पेक्टर जो है जो काउंटी इंस्पेक्टर था जो उसने वो ठीक करने के लिए लाया था उसको, वो स्माइल करता है जब वो उसको अपना काम पूरा कर लेता है, एंड पैटेड हर हेड, और अपना सिर घुमाता है। ही सेड टू हर मदर इट वॉज नॉट ए लिटल गर्ल्स फॉल्ट मिसिस जॉन, वो उसे कहता है कि मैम, उसकी मदर को, मिसिस जॉन्स को, कि इस बच्ची का कोई कसूर नहीं है यहाँ पे, इसका कोई फॉल्ट नहीं है कि ये नहीं सीख पा रही थी, असल में इस कंप्यूटर का स्क्रीन का ही, इस टीचर का ही कसूर है, क्यों है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटल टू क्विक, कि जो ज्योग्राफी सेक्टर इसके अंदर डाला गया था कंप्यूटर स्क्रीन में, इस मैकेनिकल टीचर में जो स्लोट डाला गया था, वो उसका गियर जो है इतना ज़्यादा क्विक हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी होती हैं। आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, और मैं इसे 10 years के बच्चे के सिखाने के लेवल पे इसको सेट कर दिया, यानी कि अब इसको ये जो ज्योग्राफी का सेक्शन सिखाएगा इस बच्चे को, 10 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग सिखाएगा, पहले तो वो अप टू हाई लेवल तक वो उसको करवा रहा था। द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इन क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, अब वो जो उसका सीखने का जो पैटर्न है वो सेटिस्फैक्ट्री है, एंड ही है
पैटेड मार्गीज हेड अगेन. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी डिसअपॉइंट हो जाती है कि क्यों ये वापस आ गया टीचर. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. उसे उम्मीद थी कि शायद वो टीचर वापस ना आए और उसको पक्का ही ले जाए वहाँ से. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज हिज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. कि उसे याद था कि जो टॉमीज का जो टीचर था उसको एक महीने के लगभग बाद लेकर आए थे क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था, वहाँ से वाश आउट हो गया था कंप्यूटर स्क्रीन से. तो उसे लगा शायद मेरा भी यहाँ पे से वो एक महीने के लिए कम से कम टेंशन ख़त्म होगी. बच्चे ये सोचते हैं कि टीचर चला जाए, लेकिन उसको ये कंप्यूटर जो स्क्रीन है कि हमारे टीचर जो हैं क्या हैं कि हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उनसे इमोशन शेयर कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन से हम कुछ भी शेयर नहीं कर पाते और वो एज इट इज़ हमें एक मैकेनिकल कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो टीच करती रहती है. सो शी सेड टू टॉमी वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. अब वो टॉमी को उस बुक के बारे में पूछती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखा है कि स्कूल तो इतना बुरा है कि उसका जो स्कूल है वो उस मैकेनिकल टीचर उसको टीच कर रहा है तो वो स्कूल तो बहुत बुरा है, तो स्कूल के बारे में लिखने वाली बात क्या है, इस बुक में क्यों लिखा गया स्कूल के बारे में. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज. टॉमी जो है उसको एक सुपीरियर आइज से देखता है. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. वो उसे कहता है कि ए स्टूपिड गर्ल, ये हमारे स्कूल की तरह नहीं है ये स्कूल. दिस इज़ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दे हैड हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो. जो कई सौ साल पहले स्कूल होते थे उस स्कूल के बारे में ही एडिड लॉफ्टली. उसने शांति से कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. उसने ध्यान से वो वर्ड बोला, सेंचुरीज पहले के स्कूल हैं. मैर्गी वॉज हर्ट. मर्गी को दुख हुआ. वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल. शी देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर. उसे दुख हुआ कि उसने इस तरीके से स्कूल जो है पहले कभी नहीं देखे थे. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल. उसने कुछ टाइम के लिए अपने उस बुक उसके टॉमी के कंधे से उस बुक को उठाया. वो कहती और कहने लगी, चलो उनके पास टीचर तो था. श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन. उसने आंसर दिया टॉमी ने कि जो टीचर तो था लेकिन हमारी तरह का रेगुलर टीचर नहीं था, यानी कि एक मैकेनिकल टीचर नहीं था, वो क्या था, एक मैन था, एक इंसान था. अ मैन, वो हैरानी से पूछती है, एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, क्योंकि उसने तो कभी मैन को एक टीचर के रूप में देखा ही नहीं था. वो पूछती है कि टीचर कैसे, एक मैन टीचर कैसे हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. वो कहता है कि एक ऐसा पर्सन जो गर्ल्स और बॉयज़ को अलग अलग जानता था, उनकी थिंक्स क्या उनको चाहिए उनको जानता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पुट करता था, ऐसा एक मैन. अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ. वो पूछती है कि एक मैन इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है जैसे कंप्यूटर स्क्रीन है. श्योर ही इज़, हाँ हो सकता है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. वो कहता है कि मेरे फादर भी उतना ही, मेरे फादर को भी उतना ही पता है जितना है मेरे टीचर को पता है, यानी कि मेरे टीचर के जितना ही फादर को मेरा जानता है, यानी कि एक मैन भी जो है स्मार्ट हो सकता है. ही कांट. वो कहती है नहीं, वो नहीं हो सकता. ए मैन कांट नो एज मच एज ए टीचर. वो अभी भी विश्वास नहीं करती कि एक इंसान जो है, एक मैन जो है, एक टीचर की जितना कैसे जान सकता है, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन का जो उसका टीचर है उसके जितना एक मैन कैसे जान सकता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैट. वो लेकिन वो शर्त लगाता है, बैट करता है, नहीं वो उतना ही बहुत अच्छे से जानता है इंसान भी. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. शी सेड. वो अभी प्रिपेयर नहीं थी उस डिस्प्यूट करने के लिए क्योंकि उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था इस बात को अपने प्रूफ करने का. तो वो कहती है, आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. कि मुझे नहीं पसंद कि कोई स्ट्रेंज आदमी जो आके मुझे घर में पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी जो है हंसी के मारे उसकी चीख निकल जाती है. यू डोंट नो हाउ मच मार्गी. वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा नहीं पता मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. टीचर जो हैं घर में नहीं रहते. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर. टीचर जो हैं स्कूल में एक बिल्डिंग में पढ़ाते हैं जहाँ पे सभी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, यानी कि ये स्कूल हमारे स्कूल से अलग है, तुम्हारे वाला स्कूल नहीं है जो बेडरूम के साथ है. अब नेक्स्ट में, एंड द किड्स लर्न द सेम थिंग. और सभी बच्चे एक ही तरह की चीज़ें वहाँ पर बैठ के सीखते हैं. श्योर
इफ़ दे वर द सेम एज, और पक्का वो एक ही तरह एक ही एज के भी होते हैं। बट माई मदर सेज ए टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू द फिट फॉर माइंड ईच बॉयज एंड गर्ल्स इट टीचिज एंड द ईच किड हैज़ टू बी टोट डिफरेंटली। लेकिन मेरी मदर तो कहती है, मार्की कहती है कि मेरी मदर तो कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है हर एक बच्चे के और गर्ल के माइंड के अकॉर्डिंग, और हर बच्चे को डिफरेंटली टीच करना पड़ता है, यानी कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है। तो एक मैन कैसे एडजस्ट कर पाएगा हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग, इतने बच्चों को अलग अलग कैसे टीच कर पाएगा, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पढ़ा सकती है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू वट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। लेकिन वो गुस्से में आ जाता है, वो कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद तो इस किताब को मत पढ़ो। आई डेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। लेकिन वो कहती है कि उसे वो बुक पढ़नी है, उसको फनी लगती है बुक्स, यानी कि वो स्कूल टाइम जो है जहाँ पे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, उसको एक चीज एक ऐसी इमेज करना भी एक फनी लगता है ऐसी बात को। तो दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गी मदर्स कॉल्ड मार्गी स्कूल। अब उन्होंने आधी ही बुक पढ़ी होती है कि उनकी मदर जो है, मार्गी की मदर जो है, उनको बुलाती है मार्गी स्कूल की, स्कूल शुरू हो चुका है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, वो कहती है मामा अभी नहीं। नाउ सेड मिसिज जॉन्स एंड इट प्रॉपरली टाइम फॉर टॉमी टू, वो कहती है अभी, और टॉमी का भी स्कूल शुरू हो गया, अभी टाइम जो है टॉमी का भी आ गया है स्कूल को, यानी कि इसको जो उनके क्लासरूम उनके घर में ही जो क्लासरूम बनी हुई है उसमें मैकेनिकल टीचर से पढ़ने का उनका टाइम शुरू हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी को कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। वो पूछती है कि क्या स्कूल के बाद मैं कुछ और ज़्यादा तुम्हारे साथ बुक को पढ़ सकती हूँ। मे बी, शायद, वो कहता है शायद, नॉन कैलेंटली का मतलब है कामली, यानी कि शांति से वो जवाब देता है कि शायद तुम पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी पर जाते हुए वहाँ से जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो जो गंदी जो धूल भरी किताब है वो अपनी बाजू के नीचे ले जा के हिलाता हुआ चलता है। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, अपने क्लासरूम में चली जाती है मार्गी। इट वाज राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम, वो उसके बेडरूम के साथ ही होता है क्लासरूम उसका। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर है जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो ऑन होती है और उसकी वेट कर रही होती है पहले से। इट वॉज ऑलवेज एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट, वो हर रोज का काम होता है उस स्क्रीन का उस टाइम पे पढ़ाने का उसका, सिर्फ संडे और सैटरडे को। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, लेकिन क्योंकि उसकी मदर का मानना था कि छोटी बच्चियाँ जो हैं जल्दी सीखती हैं इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यानी कि रोजाना जो डेली जो है एक रेगुलर टाइम पे, रेगुलर आवर्स का मतलब है रेगुलर टाइम पे अगर वो स्टडी करेंगी तो वो जल्दी सीखती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जल उठती है। एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और वो स्क्रीन क्या बोलती है कि जो आज हम अर्थमेटिक लेसन पढ़ेंगे, एक मैथ का लेसन पढ़ेंगे जिसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन को, यानी कि फ्रैक्शंस के जो सम्स हैं उनको ऐड करना सीखेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और कल का जो होमवर्क है जो मिला था उसको स्लॉट में डाल दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन जो है होमवर्क को भी इंसर्ट करने के लिए कहती है। मार्गी डिड सो विद ए साई, वो एक सांस लेते हुए ऐसा कर लेती है, यानी कि अपने जो होमवर्क है उसको सबमिट कर देती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, अब वो पुराने स्कूल्स को के बारे में सोचना शुरू कर देती है। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे तो उस टाइम के स्कूल कैसे होते थे उनके बारे में सोचती है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, तो सभी पड़ोस के बच्चे जो हैं केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में हंसते हुए और चिल्लाते हुए इकट्ठे होते थे। सीटिंग टुगेदर टू द क्लासरूम, और इकट्ठा क्लासरूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, घर इकट्ठा जाते थे एट द एंड ऑफ द डे, पूरा दिन ख़त्म हो जाने के बाद स्कूल में। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर इन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और वही की तरह की चीज़ें सीखते थे और एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प भी कर लेते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वो लोग थे, इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, लेकिन जो इस बच्चे का मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होता है
क्या स्लैश कर रहा होता है. व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, अब वो 1/2 एंड 1/4 यानी फ्रैक्शंस के एडिशन कैसे हम उसको सिखा रहा होता है. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट द हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, वो पुराने दिनों को बच्चे कैसे इंजॉय करते थे उसके बारे में सोचती है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उन फन के बारे में, उस इंजॉयमेंट के बारे में भी सोचती है जिसको बच्चे इंजॉय करते थे उस टाइम के. तो उम्मीद करता हूँ आपको बच्चा अच्छा लगा होगा. थैंक यू.